रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा लगवाएं, सफ़र करें। बेसिकली होता क्या, हम वीज़े का वकाला बनाते हैं। वीज़ा हमारा नाम से, हमारे नाम से, यानी कि वकाले से मुराद ये होती है कि वहाँ से आपके नाम के ऊपर वीज़ा इशू किया जाता है। सऊदी अरेबिया से सऊदी इशू करता है, बाद में आपका वीज़ा एम्बेसी में आ जाता है। आप किसी एजेंट वगैरह से रब्ता करते हैं, एजेंट आपसे आपका पासपोर्ट लेकर आपको बोलता है जी ठीक है जी आपका वीज़ा, वो सर्च करता है जी बिल्कुल एम्बेसी पे पहुंच चुका है, आपका ई नंबर निकलवाता है, फिर आपको बोलता है मेडिकल करवा लें, आप मेडिकल करवाते हैं, उसके बाद वो बोलता है जी मेडिकल एंड पासपोर्ट आपका वीज़ा स्टैम्प होने के लिए भेज देता है। 10-15 दिन 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाता है। वीज़ा स्टैम्प होने के बाद 90 दिन का टाइम होता है, और उस दौरान में आपने 5-7 दिन 10 दिन के बाद टिकट अपनी लेनी है, सफ़र करना है सऊदी अरेबिया पहुँच के। सऊदी अरेबिया जब आपका ठप्पा लगता है ना आपके ऊपर, ठप्पा तो आप ठप्पा लगने के बाद जब आप इंटर होते हैं ना, वैसे वो हमारी एक बात बोलूँ, हमारी आकड़ तो एयरपोर्ट के ऊपर ही वैसे ख़त्म कर देते हैं, बिठा कर और खड़े कर लाइन में खड़े करवा कर जो फर्स्ट टाइम आए इस तरफ हो जाएं। यकीन कीजिए जब मैं पहली दफ़ा गया तो तकरीबन 2.5-3 घंटे उस लाइन में खड़ा रहा। तो बहरहाल जी, जो भी सूरत परदेसी जो है वो जानते हैं, तो हम इंटर ठप्पा लगा के इंटर करते हैं ना, उस टाइम से उस ठप्पे के लिहाज से आपके पास 90 दिन होते हैं। फिर भी तो ये जो अभी इशू चल रहा है पाकिस्तान में, आपको पता ई नंबर नहीं निकल रहे हैं, वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहे हैं, मैं मुख्तलिफ वीडियो इसके मतलब शेयर करता रहता हूँ। कल एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, भाई थे व्हाट्सअप के ऊपर, तो मुझे एक मैसेज भी साथ में सेंड किया गया, सुन लें, दो दोस्त हैं दोनों के साथ क्या चक्कर बना। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये होगा यार, कभी कभी ना किस्मत भी साथ देती है, तो ये तो कभी कभी क्या मैं बोलता हूँ, किस्मत भी साथ देती है, होना तो वही होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हो, लेकिन किस्मत भी तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही लिखी जाती है, जो भी उनकी तरफ से हुक्म होता है वो भी चलता है। तो इनका व्हाट्सअप मैं आपको पहले सुना दूँ, फिर भाई को उसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा दोस्त है, ये पिछले हफ्ते में गया, ये ना मुझे डेट नहीं पता लग रही किस डेट की टिकट है ना, गया पिछले हफ्ते के अंदर ही है ना, तो ये इसके अबू की ना वहाँ पे वर्ष है वर्कशॉप कारों की ना, तो उससे अब इसके अबू ने बुलाया, पर ये भी तो गया है ना, इसकी तो वीज़ा स्टैम्प हो गया, सारे काम हो गए, टिकट हो गई है, डॉक्टरी हो गई है, सारे काम हो गए ना, ये किस लिहाज से गया, फिर स्टैम्प तो हो रहे हैं अगला, फिर बंदा हमारे साथ फिर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये भी तो गया है ना, इसकी जरा मुझे मालूम बात देना जरा, ये टिकट कब की है कहाँ की है, ये मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं साथ में भाई की वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं जो गए हैं उनकी वीडियो भी है। अच्छा एक चीज़ है, आप हमें से हम कभी यार स्कूल दौर या कॉलेज दौर में गए तो हुए हैं, हम यूनिवर्सिटी दौर में भी बहुत से भाई पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं भाई यूनिवर्सिटी तक नहीं गया। अच्छा बात ये है कि देखें, ये एक चीज़ होती है, हम स्कूल दौर में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, हम कॉलेज दौर में भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप किसी मज़मून में, किसी सब्जेक्ट में आप किस आप यानी कि मिसाल के तौर पर आपके नंबर कम आ जाते हैं और आप बोलते हैं जी मैं ये दोबारा दूंगा, या आप किसी मज़मून में फेल हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपका दोस्त भी फेल हो गया तो आपको ना इतना रंज नहीं होता है। आप किसी मज़मून में फेल हो जाए और आपका दोस्त पास हो जाए फिर बहुत दुख होता है, ये यकीनी बात है। तो यही सीन है जी, भाई साहब दोनों दोस्त थे, एक दोनों ने वीज़ा लिए, एक का वीज़ा स्टैम्प हो गया, एक सफ़र कर गया। वीडियो आपको साथ में मैं चलाकर दिखा रहा हूँ इनकी मैं, और ये भाई सब रह गए हैं, अभी ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बनता भी है जी इनका कि देखें उनका उसका वीज़ा स्टैम्प हुआ है, उसने सफ़र किया, यार मेरा क्यों नहीं स्टैम्प हो रहा है। वीज़ा इनका गुस्से का इजहार भी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि स्टोरी का एंड ये है कि देखें ये किस्मत के ऊपर ही कुछ बातें होती हैं, और कुछ जो भाई बोल रहे हैं वीज़े बिल्कुल स्टैम्प नहीं हो रहे हैं उनके सामने है जी, उनका मैसेज भी भाई का आपको सुना दिया, वीडियो भी दिखा दिया जो चले गए हैं जा रहे हैं जी, जिनके वीज़े लग रहे हैं, कुछ के लग भी रहे हैं। हाँ, सायखा सामान मंजिल वगैरह में इशू चल रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, मुझे उम्मीद है या तो ये क्लियर होगा या आपके वीज़े बदल होंगे। वीज़े बदल से मुराद ये है कोई इतना खर्चा नहीं होगा उसमें पैसे।